वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज आप लोग की बेहद फरमाइश पर ज़बरदस्त सी हम क्रीम चीज़ बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोज़ अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें, हमारे पास यहाँ मलमल का एक कपड़ा है, तो वो मैंने नीचे एक बर्तन में इस तरह से डाल दिया। और यहाँ मेरे पास दही है, दही जो है वो 3 कप है, किसी भी किस्म का दही यूज़ किया जा सकता है, तो वो मैं इसमें मलमल के कपड़े में डाल दूँगी। इतनी आप लोगों की फरमाइश थी कि भाई क्रीम चीज़ दें क्रीम चीज़ दें, तो ये मोस्ट ईजीएस्ट वे जो है वो मैंने निकाला है और बहुत यमी भी है। यूँ बन जाएगा, जल्दी नहीं बनेगा, यूँ ईजी वे में बन जाएगा। चले तो इसको अब हम क्या करते हैं, इसको टाई कर देते हैं चारों कोनों को। ये देखें हो गया। और अब हमें इसको रखना है फ्रिज में 24 घंटे के लिए। तब हमने सोचा कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ हो जिसमें जगह कम घिरे और फ्रिज में रखा जा सके, तो ये जग जो है वो मुझे मोस्ट ईजीएस्ट लगा, तो इसको इसमें हम डालते हैं। ये देखें चला गया। और अब इसको लटका देंगे हम इसमें इस तरह से, तो अब ये जो है अंदर ड्रिप होता रहेगा। और अगर आपका दही जैसे जिसमें पानी ज़्यादा है, तब आप क्या करें कि ज़रा उस पर आई रखें, क्योंकि हमारी पोटली और पानी जो है वो मिक्स नहीं होना चाहिए। तब जब ऐसा लगे तब इसको ज़रा सा हटा के और पानी ड्रेन कर लें 2-4 घंटे बाद। लेकिन इसे हमें रखना है 24 घंटे तक फ्रिज में। तो चले इसे फ्रिज में रख देते हैं। देखिए 24 आवर्स हो गए। और ये मैंने इतना पानी पहले निकाल के रखा था एक दफ़ा, और ये इतना जमा हुआ है। अब डिपेंड्स आपके दही पे भी है। तो चलें इसको निकालते हैं। ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा बड़ा अच्छे से हो गया, और अब सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। चलें ये अच्छे से निकल गया, और देखिए कितना थोड़ा सा हो गया ना। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, और इसको अब हम अच्छे से मिला देंगे। देखिए कितना अच्छा सा हो गया। बस फर्स्ट स्टेप तो शानदार हो गया, और अब बस सेकंड स्टेप की देर है, फिर हमारा क्रीम चीज़ ज़बरदस्त सा रेडी। अब मज़े की बात यह है कि जब ये क्रीम चीज़ बन जाएगा तब इसका हम चीज़ केक बनाएंगे। आज की रेसिपी में नहीं बनाएंगे चीज़ केक, नेक्स्ट रेसिपी में बनाएंगे जब क्रीम चीज़ बन जाएगा, और उसके बाद बनाएंगे। तो चले अब हम एक बोल लेते हैं जिसमें ये मुश्किल से आ जाए, ऐसा कोई भी आपका बोल हो जिसमें वो टाइट आ सके, वो साइज़ लेनी है। तो ये बोल पे मैं चीज़ क्लॉथ बिछा रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ क्लॉथ है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो नो प्रॉब्लम, कोई भी मलमल का कपड़ा बिछाया जा सकता है। अब मैं बताती हूँ आपको ये कपड़ा कितना लेना है। तो ये आपका बोल सेंटर में रहे तो ये इतना पूरा हो जाए, इतना कपड़ा लेना है आपको इस तरह से। तो चलें अब हम क्या करते हैं, इसको डालते हैं सेंटर में। तो चलें अब इसको डालेंगे इसमें। तो ये देखे पैक्ड हो जाए, ऐसा बोल हमें लेना है। अब इस पर कोई भी हम प्लास्टिक जो है, ये मैंने जिप लॉक बैग का राउंड काट लिया है, तो वो रखेंगे ऊपर, और उसके बाद इसको करेंगे चारों तरफ से बंद। अगर कपड़ा एक्सेस लग रहा है आपको, ज़्यादा हो गया है या कुछ इस तरह, तो ऊपर से काट भी सकते हैं। और यहाँ जैसे हमने वो सर्कल काटा था ना प्लास्टिक का, इसी तरह एक गत्ते का काटेंगे। गत्ते का काट के इसको ऊपर रखेंगे, और अब इस पर हमें कोई भी वज़न रख देना है। तो ये एक ट्रे ले लेते हैं, और इसके ऊपर ये
रख देते हैं। कोई भी आपके पास वेट हो, ये देखें हमने राउंड बिल्कुल एग्जैक्टली उस साइज का ही बोल लिया है ताकि वो अच्छा सा कंप्रेस हो सके। तो बस अब इसे हमें फ्रिज में रखना है 48 आवर्स, तो चले फ्रिज में रखते हैं। तो बस अब मिलते हैं 48 आवर्स में। देखिए 48 आवर्स हो गए हैं, तो अब चले क्रीम चीज लेने के लिए सब चलते हैं। आप भी आइए। एक्साइटेड? मैं भी एक्साइटेड। तो चले खोलते हैं। हमारी क्रीम चीज रेडी रेडी रेडी। ये देखें, चले अब इसको डबल रोटी के साथ खाएंगे। ये सख्ती जो अवन में जो बेक होती है ना डबल रोटी, उसके साथ बड़ा अच्छा लगता है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। तो चले लगाते हैं और खाते हैं। एक स्लाइस लेते हैं डबल रोटी की, और ये देखें बिलीव करें, ये बिल्कुल ये बाजार वाली वैल्यूबल जो होती है ना, महंगी वाली, वैसी क्रीम चीज लग रही है। और इसका चीज केक कैसा लगेगा आप लोग बताएं। खतरनाक है। अब ये क्रीम चीज बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल में आएगी, तो बनाएं खूब, धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।